गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अनकट इट और आपको यहाँ मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट। कल की 2898 एडी का कल एक सेकंड ग्लिम्स रिलीज हुआ था जिसे देखने के बाद तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर कोई सोचने को मजबूर हो गया कि अमिताभ बच्चन ही है क्या। इस साल का आप इसे एक बड़ा धमाका भी कह सकते हैं क्योंकि ये ग्लिम्स जो है ना वो लोगों के दिमाग में एक बहुत सारे सवाल छोड़ कर गया है, जैसे कि अश्वत्थामा को चोट कैसे लगी, जब श्री कृष्ण ने उसके माथे से मणि निकाल दी थी तब वो वापस कैसे आई। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। कल की 2898 एडी इंडियन सिनेमा में एक माइलस्टोन होने वाली है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा को कुछ ऐसा देकर जाएगी जो आने वाले 10 सालों में इंडियन सिनेमा भी नहीं भुला पाएगा, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। तो चलिए अब आपको अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ और आपको आपके हर सवाल का जवाब यहाँ जरूर मिलेगा। इस फिल्म का नाम कल्कि भले ही है लेकिन इसमें भगवान शिव से जुड़ी चीजें ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। प्रभास के कैरेक्टर का नाम भैरवा है। मूवी का प्लॉट काशी में सेट है। अश्वत्थामा को खुद भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। और एक और चीज है, इस वीडियो की स्टार्टिंग और एंडिंग में शिवलिंग दिखाई गई है, मतलब एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि शिव ही आरंभ है और शिव ही अंत है, जैसा कि इसमें भगवान शिव और विष्णु के हरिहर वाले एंगल को दिखाया जाएगा। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन के 5 लुक दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले शिवलिंग की तपस्या कर रहे अमिताभ बच्चन का ये जटाधारी लुक, दूसरा ये राया नाम का बच्चा जब टेंपल को एक्सप्लोर कर रहा होता है तब यहाँ पर ये खुली जटाओं वाला लुक, लेकिन माथे पर पट्टी यहाँ भी बंधी हुई है, तीसरा लुक बिना पट्टी का ये लुक जहाँ पर हमें माथे पर उनके मणि तो नहीं दिखाई दी लेकिन मणि के उनके माथे से निकल जाने वाला घाव यहाँ साफ देखा जा सकता है, चौथा है यंग अश्वत्थामा का लुक बिना पट्टी के माथे पर मणि वाला लुक, और पांचवा है चिरंजीवी अश्वत्थामा का बिना पट्टी वाला लुक लेकिन मणि के साथ। इस यंग अश्वत्थामा के लुक को कई लोग अभिषेक बच्चन समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, इस मूवी में हमें डी एजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए दिख रहा है। जी हाँ, अभी तक आपको ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मार्वल या डीसी में ही देखने को मिली थी लेकिन अब ये इंडियन सिनेमा में भी देखी जाएगी। इस वीडियो के सीक्वेंस को देखने के बाद आई एम वेरी मच श्योर कि प्रभास जो भैरवा प्ले कर रहे हैं वही कल्कि भी है। इस फिल्म में आपको श्री कृष्ण जरूर देखने को मिलेंगे। अब इस ग्लिम्स में राया के कैरेक्टर को दिखाने का क्या मतलब है, ये तो डायरेक्टर साहब ने खुद ही क्लियर कर दिया और इससे उनका विजन भी समझ में आता है और वो अच्छे से अपनी चीजों को प्ले आउट कर रहे हैं। मूवी का प्लॉट काफी डार्क है, इस सीक्वेंस का भी है, इसलिए इसमें राया के कैरेक्टर को डाला गया है ताकि सीक्वेंस के टोन को थोड़ा लाइट किया जा सके और चीजों को बैलेंस किया जा सके। हमने ये भी सुना था कि मूवी में प्रभास का जो कैरेक्टर है उसे फनी टाइप रखा गया है, विच मींस कि नागार्जुन को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और मूवी के टोन को कहां पर डार्क दिखाना है और उसमें प्लेफुलनेस दिखानी है, वो ये सब अच्छे से जानते हैं। तो अब ये बताइए कि आपको अश्वत्थामा का ये ग्लिम्स वीडियो कैसा लगा। तो भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।